हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेकर आ रखे हैं और उसके स्थापना और उसके मुख्यालय लेकर आ रखे हैं। ये आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि इस टॉपिक से काफ़ी एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से याद करना होगा। और आपके जितने भी टॉपिक होंगे वो जो आपके पेपर होने से पहले हम आपको करा देंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यूएनओ। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले इसका जो मुख्य कार्य होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाना और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य होता है, और मानव अधिकारों की सुरक्षा करना होता है, रक्षा करना होता है। और जो आप समझ गए होंगे कि इसका कार्य क्या क्या होता है। और जो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसकी स्थापना कब हुई थी यूएनओ की 1995 में, और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। इस ये तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और अब इसको हम याद कर सकते हैं, जो इसका मुख्यालय है, मुख्यालय को हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसको ट्रिक से याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूएनओ लिखना है। यूएनओ में से जो यू यू से लिखा आप बोल देना यूएसए, और एन से न्यूयॉर्क। तो यूएनओ का मुख्यालय यूएसए न्यूयॉर्क में है, ठीक है। दोनों से ये यूएनओ से ही बन रहा है आपका इसका मुख्यालय। यू से यूएनओ न यू से यूएसए और एन से न्यूयॉर्क। तो यूएनओ का मुख्यालय यूएसए न्यूयॉर्क में है। काफ़ी इजी ट्रिक था आपको ये। इससे आपको एग्जाम में आगे तो आप सीधे तो आपके दिमाग में आ जाएगा यूएनओ का मुख्यालय यूएसए न्यूयॉर्क में है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसका नाम होता है विश्व व्यापार संगठन। अब जान लीजिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य होता है व्यापार के लिए नियम बनाना। आप समझ गए होंगे। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, और जो इसका मुख्यालय है जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पहले इसका नाम गेट था, इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया 1995 में। तो आप जान लीजिए कि गेट की स्थापना हुई थी 1948 में। ये भी बनता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब गेट की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। 1948 में गेट की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले इसका नाम था गेट, आप समझ गए होंगे। जो गेट था वह 23 देशों ने इसको मिलकर बनाया था, जिसमें से भारत भी शामिल था इसमें। आगे चल के इसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पड़ गया 1995 में। जो ये व्यापार है, व्यापार से हम इसको ट्रिक बनाएंगे, इसका मुख्यालय की। व्यापार करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमेशा किसी भी व्यापार करने के लिए हमें उसको जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो जनेवा से जानना, तो आप समझ गए होंगे जनेवा का हम जानना शब्द करके किसको जानेंगे हम, वैसे व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे हम इसका मुख्यालय याद कर लेंगे। जनेवा से हम क्या बोलेंगे, जानना। तो जानेंगे किस व्यापार करने के तरीके को हम जानेंगे। तो इस टाइप का हम इसको बना सकते हैं, इसकी ट्रिक। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं। जो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। जो इसका मुख्यालय है जनेवा में, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको इसकी स्थापना 1948 में हुई थी 7 अप्रैल, और जो इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो अब इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, इसका मुख्यालय को का ज़्यादातर ये पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो ये विश्व व्यापार ना विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो जो यहाँ पर स्वास्थ्य आ रहा है, तो स्वास्थ्य को ही हम ट्रिक इसके स्वास्थ्य से ही हम ट्रिक बनाएंगे। किसी चीज़ की भी अगर हम किसकी तबीयत ख़राब होती है, किसी की भी तबीयत ख़राब होती है, तो हम उसका स्वास्थ्य के जानने के लिए जाते हैं, या उसके स्वास्थ्य के जानने का प्रयास करते हैं। तो उसी से ही स्वास्थ्य से विश्व स्वास्थ्य से यहाँ पर स्वास्थ्य आ गया, और उसके स्वास्थ्य को जानने के लिए जनेवा, जनेवा में आ रहा है जानना, जनेवा जानना।
तो इस टाइप से, तो इससे समझ में आ गया होगा कि जनेवा से जानना, तो क्या जानेंगे हम उसके स्वास्थ्य के बारे में, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब नेक्स्ट है नाटो, नाटो को हम, इसका फुल फॉर्म हो रहा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी जो तो स्थापना होती है 1949 में होती है, और जो इसके मुख्यालय है ब्रुसेल में है। इसमें से जो नाटो का है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन बनते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेड और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आप इसका जान लीजिए कि इसका मुख्यालय को हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो इसका ट्रिक काफ़ी इजी है, आप इसका हम जो ट्रिक से याद करेंगे, नाटो का मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय होता है ब्रुसेल। तो इसको नोट, नाटो का हम नोट से, नोट आपको समझ में आ गया होगा, नोट क्या, नोट मतलब कि रुपये। अब रुपये तो जो यहाँ पर ब्रुसेल में जो इसको हम जो सेल वर्ड आ रहा है, सेल शब्द आ रहा है, तो इस सेल को ही हम किसी चीज़ की सेल करेंगे, सेल करेंगे, तो सेल से हमको क्या मिलेंगे, नोट मिलेंगे, तो नोट मतलब रुपये मिलेंगे। तो सेल करने से हमको क्या मिलेगा, नोट, नोट से नाटो, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल किसकी। और जो आपको अगर आ जाएगा कि ब्रुसेल कहाँ पर है, तो यह पूरा आएगा, तो ब्रुसेल कहाँ पर है, बेल्जियम में, तो किसकी सेल करेंगे, बैल की, बैल मतलब जो घंटी होती है बैल, तो उसकी सेल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नोट मिलेंगे। तो बेल्जियम ब्रुसेल की जो मुख्यालय है वो किसका है, नाटो का है। तो आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी ट्रिक था, आप इसको फॉलो करना, एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको एशिया विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। तो ये काफ़ी इजी है, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इसका मुख्यालय, और जो इसमें क्वेश्चन वही बनेंगे, इसका एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, एडी को फुल, एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, एडीबी का स्थापना कब हुई थी, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इसका जो मुख्यालय है, इसको मुख्यालय को हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, तो एडीबी जो एशिया है, एशिया विकास बैंक, जो एशिया जिसमें हम, ये एशिया क्या है, एक महाद्वीप है जिसमें भारत देश भी आता है, एशिया देश में ही भारत आता है। तो भारत को हम विकास करने के लिए, भारत को हम विकास या एशिया का विकास करने के लिए, दोनों समझ सकते हैं आप, या भारत का विकास करने का, भारत कहाँ पर आता है, एशिया में, तो एशिया का विकास करने के लिए हमें क्या करने, क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मनीला, मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे आप याद कर लेंगे कि एशिया का विकास किससे होगा, मनीला, मनी से होगा, तो इसका मुख्यालय मनीला। काफ़ी ईजी था, आप इसको अच्छे से समझना और अपने दिमाग में रखना, तो आपके एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर दे दोगे। अब नेक्स्ट है आसियान, तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ का संघ। तो जो इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में, और जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एक या दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएंगे, ये आपको देख लीजिएगा, आपका जो भी एग्ज़ाम होगा आने वाले एग्ज़ाम में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप इसको अच्छी तरह से, इस टॉपिक को अच्छी तरह से याद करें। नेक्स्ट है सार्क, सार्क को हम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोलते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और मुख्यालय काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल। अब इसका जो मुख्यालय, जो इसका मुख्यालय है काठमांडू, काठमांडू को हम इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, तो सार्क है, सार्क से हम इसका, हम सार्क से क्या लिखकर आएंगे, सार्क को हम बोलेंगे सांप या सर्फ, ठीक है, सांप या सर्फ। तो सांप या सर्प बोलेंगे सार्क को, तो सार्क जो ये काठमांडू, काठमांडू, काठमांडू से काठ, काट वर्ड आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, सांप ने किसी को काटा, सांप ने किसको काटा, काठमांडू, काटा काठमांडू,
सांप ने किसको काटा? काठमांडू। तो काठमांडू बन के आ जाएगा, काठमांडू से काट आ गया और सार्क से सांप आ गया, तो इसको हम रिलेटेड करके इसको बना सकते हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1985 ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ये इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको भी याद करके रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय सेंट्रल जकराता में है, और जो जकराता जो कि इंडोनेशिया में है। और जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है, गुट निरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बन सकता है 1961 में बेलग्रेड में होता, जो सर्बिया में है। नेक्स्ट है ILO, इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और जो इसकी स्थापना हुई थी 19 अक्टूबर 1919 को हुई थी। और जो इसका मुख्यालय, यहाँ पर PDF में नहीं दे रखा है, लेकिन इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। इसका जो मुख्यालय है उसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो स्विट्जरलैंड है जनेवा में, जनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। तो इसमें से हम जो श्रम है, ये श्रम से हम इसका ट्रिक बना सकते हैं। श्रम कोई भी व्यक्ति करता है तो उसकी जान हमेशा मजबूत होती है, इस टाइप का बना सकते हैं। जान से हो गया जनेवा स्विट्जरलैंड, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो इसको, काफ़ी ईजी था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रेड क्रॉस, जो इसकी स्थापना हुई थी 1863 में, और इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूरेंट, और जो इसका मुख्यालय जनेवा में। अब ये भी काफ़ी इजी है, इसको भी आप अच्छे से याद करना। अब आगे है वर्ल्ड बैंक, इसको जो हिंदी में बोलते हैं विश्व बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करना है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है, इसका स्थापना कहाँ हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट है यूनेस्को, इसको संयुक्त राज्य शैक्षिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो दोस्तों अभी हम आपको इसमें 12 क्वेश्चन 12 ही करा रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, इसमें हम आपको पूरे 25 करवा देंगे। इसमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके पेपर में, जो आपका आगामी एग्ज़ाम है, तो उसमें एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।